पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज जो है वो हलफ बर्दारी का एक प्रोग्राम रखा गया था डी सी कोरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी के ज़ेर हिदायत, और आज जो है जमात इस्लामी ने भी हलफ लिया है चेयरमैन का, और बिलाल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? पहले तो मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, शहर कराची को मुबारक हो, जमात इस्लामी की फतह, दरहकीकत शहर कराची की फतह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे आगे की लाइन में, क्या है, क्या सोचा आपने? हम तो इसी अज़म से मैदान में मौजूद हैं कि शहर कराची की तामीर और तरक्की का सफ़र जो रुका हुआ है नेमतुल्ला खान साहब की रौलत के बाद, और हम यही चाहते हैं कि उस सफ़र का दोबारा आगाज़ हो सके, इस शहर की रोशनियाँ, इसको असरनों दोबारा बहाल करवाई जा सके, वापस लुटाई जा सके, और हमारी जद्दोजहद और हमारी कोशिश शहर कराची के आवाम जानते हैं, और ये हकीकत बात है कि शहरी कराची ने हमें एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसलिए दिया है कि वो ये जानते हैं कि जमात इस्लामी का माजी इस शहर से जुड़ा हुआ था, और जमात इस्लामी ने इक्तदार में रहे बग़ैर, चाहे वो लॉकडाउन हो, कोई भी सूरत हाल हो, शहर कराची की आवाम की खिदमत की है, और हम आज भी मैदान अमल में मौजूद हैं, और अल्लाह ने हमें इस मनसब पर पहुँचाया है, इस मनसब पर बिठाया है, और हमने जो आवाम से वादा किया है इस शहर की, इस शहरीों से, इंशाल्लाह उन वादों की तकमील तक हम जद्दोजहद जारी रखेंगे, और हमारी जद्दोजहद का महवर और मरकज़ सिर्फ यही है कि शहर कराची को उसकी असल हालत की जानिब लौटाएं। फेमस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुंतखब चेयरमैन हैं। अच्छा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ चेयरमैन आते रहे और जाते रहे, लेकिन इलाके के कभी हालात बेहतर रहे हुए आवाम की खिदमत हुई, लेकिन जमात इस्लामी का ये अज़म है कि आवाम के बीच में रहकर आवाम की बात सुनने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज माजी में देखेंगे? पहले तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। माजी में देखा होगा आपने जमात इस्लामी ने किस तरह काम किया है, इंशाल्लाह हम भी उसी अमल पे उस अमल को जारी रखेंगे और कराची को बनाएंगे, संवारेंगे, जैसे नेमत साहब के दौर में काम हुआ, अफगानी साहब के दौर में काम हुआ, इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी कराची को। बहुत शुक्रिया। शहर में कितना काम करना है, और अब भी मुंतखब होकर आए जो नुमाइंदे जमात इस्लामी के, तो जमात इस्लामी के पास टीम भी मौजूद है, तजर्बा भी मौजूद है, और हाफिज़ नईमान जैसा एक कायद मौजूद है जो इस कराची शहर की हालत को बदलना चाहता है, इसको दोबारा से रोशनी का शहर बनाना चाहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन भी है कि इंशाल्लाह हाफिज़ नईमान शहर का मेयर बनेगा और शहर की तकदीर को बदलेगा। और जो अभी आपने कहा असलम भाई ने कि लोग सुनते नहीं हैं, तो आप ये देखें जमात इस्लामी ही लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हो या गैस के साथ गैस के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, महंगाई के खिलाफ हो या सेवरेज के या दीगर जितने भी कराची के जो मसाइल खड़े हैं उसके लिए जमात इस्लामी आवाज़ उठा रही है, और ये तो जमात इस्लामी को किसी ने बोले नहीं है, जमात इस्लामी को जब बोलेंगे तो